गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज सेकंड ईयर की क्लास में आप सभी को रिसर्च मेथडोलॉजी में केस स्टडी मेथड के बारे में अध्ययन कराऊंगी। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, यह तथ्य संकलन की बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण विधि है, जिसका किसी भी एक गहन अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बहुत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसी भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। इसके द्वारा संपूर्ण जीवन, व्यवहार प्रतिमान और जीवन की क्रिया प्रतिक्रियाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे पहले व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग फ्रेडरिक लिप्ले के द्वारा किया गया था, और उसके बाद कई सारे समाज वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। तो मैंने दो डेफिनेशन आपके लिए ली है। पहली, पीवी यंग के अनुसार, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी भी व्यक्ति, इकाई और परिवार की गहन अध्ययन करने की पद्धति है। दूसरी परिभाषा है बिसेंज एवं बिसेंज के अनुसार, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है, जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानी पूर्वक पूर्ण अवलोकन किया जाता है। ये परिभाषा भी यही इंगित कर रही है कि इसमें इकाई का पूर्ण अवलोकन किया जाता है, गहराई से अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने वाली पद्धति है। अब परिभाषाओं को समझ लेने के बाद हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति तथ्य संकलन की गहन अध्ययन करने वाली गहन इकाई है, जिसमें इसकी पहली विशेषता है विशिष्ट इकाई का अध्ययन। यह अध्ययन विधि का एक विशिष्ट सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन करने वाला विज्ञान है, संपूर्ण अध्ययन करने वाला पद्धति है। इसके माध्यम से व्यक्ति, संस्था, समुदाय, परिवार, जाति, उपजाति, किसी को भी लेकर हम उसका गहराई से अध्ययन करते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है गुणात्मक अध्ययन। इस अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक होती है, क्योंकि इस विधि द्वारा केवल गुणात्मक तथ्यों का ही अध्ययन संभव होता है। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं एवं आकांक्षाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक गुणात्मक अध्ययन करने वाली पद्धति है। इसकी अगली विशेषता है गहन अध्ययन, जो कि परिभाषाओं से भी स्पष्ट हो रहा था कि इसमें किसी भी इकाई का सूक्ष्मतापूर्वक विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। इसमें गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों एवं घटनाओं के मध्य संबंधों को देखा जाता है और इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। इसकी अगली विशेषता है संपूर्ण अध्ययन। इसमें किसी इकाई का समस्त दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गहराई से और संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करने वाली पद्धति है। इसकी अगली विशेषता है कारकों का अध्ययन।
इस विधि में किसी इकाई के व्यवहार की प्रकृति तथा उसकी परिस्थितियों एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है। इकाइयों के विशेष व्यवहार को प्रोत्साहन देने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है और उस घटना के पीछे घटित होने वाले कारकों, व्यक्ति के जीवन में विशेष मोड़ देने वाले सहायक कारकों का भी अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। इसकी अगली विशेषता है वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन। यह विधि अतीत एवं वर्तमान दोनों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास करती है, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता किसी इकाई से संबंधित अतीत के तथ्यों के साथ साथ उसके वर्तमान स्थिति से भी सहसंबंधों को जानने का प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वर्तमान और अतीत का भी अध्ययन करती है। इसकी अगली विशेषता है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस अध्ययन विधि में संपूर्ण पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिससे कि अध्ययन में गहनता आती है और अनुसंधानकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक गहन और संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करने वाली पद्धति है। इसकी विशेषताएं हैं विशिष्ट इकाई का अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, गहन अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, कारकों का अध्ययन, वर्तमान एवं अतीत का अध्ययन तथा संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। और इसी के साथ यह संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किसी इकाई का गहन अध्ययन हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। तो अब हम ये समझेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया क्या है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से, किन स्टेप्स के माध्यम से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपना कार्य करती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है समस्या की विवेचना। इसके अंतर्गत अध्ययन समस्या की प्रकृति और उसके स्वरूप की पूर्ण विवेचना की जाती है, पूर्ण विवेचना होती है। इसके अंतर्गत भूत तथा वर्तमान सूचना स्रोतों तथा अध्ययन पक्षों का निर्धारण भी आवश्यक रूप से किया जाता है। इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत विषयों का अध्ययन किया जाएगा और उसके पश्चात अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या, उनके प्रकारों को तय किया जाता है। अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय के रूप में हो सकती है। जब हम व्यक्तिगत विषयों का चुनाव कर लेते हैं, इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं, तो उसके पश्चात समस्या के क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाता है। इसमें अध्ययन में समस्या के समस्त पक्षों पर बल दिया जाता है और इसके अंतर्गत इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। तो समस्या की विवेचना में हमें सबसे पहले समस्या का निर्धारण करना होता है, फिर समस्या की इकाई का निर्धारण करना होता है और उसी के साथ में क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाता है। इसका सेकंड स्टेप है घटनाएं तथा उनके कारक। किसी भी घटना के घटित होने के लिए जिन कारकों का अध्ययन करते हैं, यह इसका सेकंड स्टेप है। इसमें घटनाओं के क्रम को देखा जाता है, उनमें हुए परिवर्तनों, उतार चढ़ाव को देखा जाता है और अध्ययन समस्या से संबंधित कारकों पर पूर्ण विचार किया जाता है जिनके कारण घटनाएं घटित होती हैं। और इसका लास्ट स्टेप है विश्लेषण एवं निष्कर्ष। इस पद्धति का अंतिम चरण संकलित तथ्यों और सूचनाओं का समन्वय और विश्लेषण करना है और उसके आधार पर निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की तीन स्टेप्स में पूरी प्रक्रिया, पूरी पद्धति कंप्लीट होती है। समस्या की विवेचनाएं, घटनाएं एवं उनके कारण, विश्लेषण एवं उसके निष्कर्ष। और इसके अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व क्या है,
क्यों व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को समाज शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसके क्या क्या गुण हैं? तो फर्स्ट गुण है सूक्ष्म अध्ययन। यह परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा था कि इसके अंतर्गत किसी भी इकाई का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। इसीलिए बर्गेस ने इसे सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी कहा है और माना है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी भी सामाजिक इकाई का सूक्ष्मता से अध्ययन करती है। इसका अगला लाभ है महत्वपूर्ण कल्पनाओं का स्रोत, महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का स्रोत। इसके आधार पे बहुत सारी नई नई प्राकल्पनाओं का निर्माण हो सकता है। यह जब हम किसी भी चीज़ को सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर भी महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। का अगला लाभ है अति महत्वपूर्ण प्रपत्र का स्रोत। यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रपत्रों के निर्माण में सहायक होती है। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इनको प्रपत्र कहा जाता है और व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों का निर्माण किया जाता है। का अगला लाभ है इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन। व्यक्तिक अध्ययनों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, अतः यह अध्ययन विभिन्न इकाइयों को विभिन्न समूहों में विभाजित एवं वर्गीकृत करने में सहायक होता है और इससे निदर्शन निकालने में भी आसानी हो जाती है। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन भी किया जा सकता है। इसका अगला लाभ है मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक। व्यक्तिक अध्ययनों के द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों एवं धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है और ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए भी आवश्यक है। इसके द्वारा मनोवृत्तियों में परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो व्यक्तिक पद्धति मनोवृत्तियों के अध्ययन में भी सहायक होती है। इसकी अगली लाभ है, अगली गुण है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। यह अध्ययन पद्धति मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी सहायता देती है, सहायता प्राप्त कराती है। व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं एवं व्यवहार उनकी मानसिक दशाओं के परिणाम होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जिन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होती है उन्हें केवल व्यक्तिक अध्ययन के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो इस प्रकार यह अध्ययन पद्धति मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी लाभदायक है, सहायता प्रदान करती है। ऐतिहासिक अध्ययनों में सहायक। इसके द्वारा क्योंकि हमने पढ़ा इतिहास की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, वर्तमान और अतीत में संबंध स्थापित किया जाता है, तो यह ऐतिहासिक अध्ययनों में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट लाभ है व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत। इस पद्धति द्वारा अनुसंधानकर्ता को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं क्योंकि यह विधि जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं का भी अध्ययन करती है, अतः इससे हमें व्यक्तिगत अनुभवों की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सामग्री की संपूर्णता। इस विधि द्वारा संकलित सामग्री स्वयं में पूर्ण होती है। इसके बारे में C.H. कुले ने कहा है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है और जीवन को स्पष्ट रूप से विकसित करती है। यह प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारों का अध्ययन करती है और हमें सामग्री को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने में मदद करती है।
इसकी अगली विशेषता है, लाभ है, घटनाओं की निरंतर तस्वीर। इस अध्ययन में किसी व्यक्ति या घटना की काल क्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। समय के साथ उसमें होने वाले उतार चढ़ाव परिवर्तनों को क्रमबद्ध रूप से तस्वीर के माध्यम से इस विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अतः यह घटनाओं का निरंतर तस्वीर भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, जिसमें घटनाओं का सूक्ष्म और क्रमबद्ध गहन अध्ययन किया जाता है, जिससे हमारे सामने एक तस्वीर आ जाती है। और चूंकि लाभ के साथ साथ कुछ सीमाएं भी हर अध्ययन पद्धति की होती है, तो अगला हम पढ़ेंगे व्यक्तिक अध्ययन संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। और इसी के साथ यह संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किसी इकाई का गहन अध्ययन हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। तो अब हम ये समझेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया क्या है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से, किन स्टेप्स के माध्यम से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति अपना कार्य करती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है समस्या की विवेचना। इसके अंतर्गत अध्ययन समस्या की प्रकृति और उसके स्वरूप की पूर्ण विवेचना की जाती है, पूर्ण विवेचना होती है। इसके अंतर्गत भूत तथा वर्तमान सूचना स्रोतों तथा अध्ययन पक्षों का निर्धारण भी आवश्यक रूप से किया जाता है। इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत विषयों का अध्ययन किया जाएगा और उसके पश्चात अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या, उनके प्रकारों को तय किया जाता है। अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय के रूप में हो सकती है। जब हम व्यक्तिगत विषयों का चुनाव कर लेते हैं, इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं, तो उसके पश्चात समस्या के क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाता है। इसमें अध्ययन में समस्या के, अब हम जानेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व क्या है, क्यों व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को समाजशास्त्र में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसके क्या क्या गुण हैं। तो
और अपने अनुसंधान में कुछ लोग और बहुत सारे समाजशास्त्री इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने समझा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें संपूर्ण इकाई का गहनता से अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ दोष हैं और कुछ इसके मेरिट्स हैं, इसके बावजूद ये बहुत अच्छी पद्धति है। थैंक यू वेरी मच।